अजी कोई नहीं है टक्कर में, आप बिल्कुल किसी उस चक्कर में ना रहिए, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो है वो इस बार सहारनपुर में निश्चित रूप से खिलेगा। ये बार 400 पार, जिसमें सहारनपुर भी सबसे पहली लोकसभा सबसे पहले जीतेंगे हम, और अब की बार पहली विधानसभा जो हमारी लोकसभा सीट है ये जीत कर मोदी जी के झोली में डालने का काम राघव भाई हमारे करेंगे। पूजा अर्चना के बाद अब राघव लखनपाल शर्मा नॉमिनेशन के लिए अपने घर से निकल रहे हैं और बात करेंगे। सर, एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और आप चुनाव के मैदान में हैं, जो पिछली बार आंकड़ा रह गया था उसको कैसे भरपाई की जाएगी? सर देखिए, मैं हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताते हुए पुनः इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चुनाव को हम 2.5 से 3 लाख के अंतर से जीतने वाले हैं। जिस तरह से हमारी मोदी और योगी सरकार ने विकास का एक एजेंडा लेकर सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पे काम किया है, उसी पॉलिसी को देखते हुए उस विकास का लाभ जिन लोगों ने प्राप्त किया है वे जाति और इन सभी बातों से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगी। सर, पिछली बार बसपा ने इस सीट पर कब्जा किया था, गठबंधन था, लेकिन इस बार बसपा गठबंधन में नहीं और आपके सामने एक बार फिर से तीसरी बार इमरान मसूद भी है। नहीं, कोई, मैंने आपको कहा ना 2.5 से 3 लाख वोटों का अंतर रहेगा, तो कोई वो आपस में उनकी प्रतिस्पर्धा रहेगी कि वो उनमें से दूसरे नंबर पे कौन आता है। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो है वो इस बार सहारनपुर में निश्चित रूप से खिलेगा। इमरान मसूद को सर कैसे देखते हैं? मैं क्यों देखूं, उनके घर वाले देखें उन्हें भाई। तो क्या वो टक्कर देने को तो तैयार है सर इस बार भी? अजी कोई नहीं है टक्कर में, आप बिल्कुल किसी उस चक्कर में ना रहिए, कोई नहीं है टक्कर में। तो ये थे राघव लखनपाल शर्मा। साफ तौर पर दावा है कि इस बार टक्कर में कोई नहीं है और इमरान मसूद हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी से मुकाबला नहीं है। और इस वक्त वो नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आनंद भाई, क्या लगता है इस बार विधानसभा जीत जाएंगे? ये बार 400 पार, जिसमें सहारनपुर भी सबसे पहली लोकसभा सबसे पहले जीतेंगे हम। और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में लोकसभा का प्रतिनिधित्व सहारनपुर से राघव लखनपाल शर्मा जी करेंगे। कोई टक्कर में नहीं है, कांग्रेस बसपा कोई टक्कर में नहीं है। ठीक है आधार भाई। भैया 400 पार और अब की बार पहली विधानसभा जो हमारी लोकसभा सीट है ये जीत कर मोदी जी के झोली में डालने का काम राघव भाई हमारे करेंगे। तो यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार दम भर रहे हैं जीत का। और कुछ देर बाद ही राघव लखनपाल शर्मा जो हैं वो यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त उनके घर पर यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। भूपेंद्र भाई, क्या लगता है इस बार सांसद जी जीत जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे जी। 2 लाख प्लस जीत है। 2 लाख प्लस आप जीत बता रहे हैं, लेकिन पिछली बार तो आंकड़ा थोड़ा कम रह गया तो उससे हार का सामना करना पड़ा था, इस बार हो जाएगी पूर्ति? हाँ हाँ बिल्कुल, इस बार तो बहुत अच्छी जीत हमारी है, उसमें कोई संशय नहीं है। रूठे हुए को मना लेंगे, कुछ लोग रूठे में भी, कोई रूठा हुआ नहीं है, सब साथ है। अब की बार 400 पार और जो मोदी जी का नारा है उसमें कमल का फूल हमारा है, जो मोदी जी का नारा है उसमें कमल का फूल हमारा है। तो यही जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, काफी उत्साहित है और सहारनपुर से बड़ी जीत का दावा जो है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।